कहलाती हूँ मैं। उसके बाद भी इंसान हमको जीना मुश्किल कर दिया, मेरे साथ हमेशा गलत किया वो। हम सोच रहे थे कि चलो अच्छे से हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, लेकिन पर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कोई सुनवाई हो रहा है ना, कोर्ट ना थाना सुन रहा है, ना एसपी सर सुन रहे, कोई नहीं सुन रहा है। एकदम मैं थक चुकी हूँ, एकदम लास्ट में मेरे पास मरने के अलावा कुछ भी नहीं है। तो उसका क्या जाएगा, मर जाऊंगी तो मेरे माँ बाप का जाएगा, उसका क्या जाएगा। वो तो 12 साल रखा माजा मारा पिन छोड़ दिया, उसका कुछ भी नहीं जाएगा। कुछ लोग का मैं इंटरव्यू देखी थी, सब लोग बोल रहे हैं कि पैसे के लिए कर रही है। अरे पैसा तो मैं खुद अपने दम पे कमाई हूँ, मैं अपने मेहनत से कमाई हूँ, पर मुदप्रेमी मुझे बैठा के नहीं खिलाता था, कभी मैं बैठ के नहीं खाई हूँ। जब बैठ कर खाने का टाइम आया तो मुझे छोड़ दिया, जब बैठ के खाने का टाइम आया तो मुदप्रेमी मुझे छोड़ के तीसरा शादी कर लिया जाके, उसको मुंबई में रखा है। जब मुझे सुख करने का टाइम आया तो प्रमोद प्रेमी तीसरा शादी करके अपना मजा मार रहा है। लोगों से इतना गंदा गंदा गालियां दिलवाना, इतना इंटरव्यू में बुलवाना, सोशल मीडिया में चलवाना, लेकिन तो भी मैं कदम नहीं उठाई कि छोड़ो जाने दो, उसके पास उतना दिमाग है करवा रहा है। सोनू भेज भेज के बुलवाया है, मेरे पास प्रूफ है उसका। लड़कियों के पास, लड़कों के पास सोनू भेज भेज के बुलवाया है कि ये देखिए इसकी बेटी है, इसका पति है। अरे तो कहाँ है मेरा बेटा, क्यों वीडियो स्क्रीनशॉट का वीडियो क्यों चढ़ा रहे हो। उसके बाद भी मैं कुछ नहीं बोली, मैं सोची कि जाने दो सुधर जाएगा, लेकिन वो मेरा जान, आज जिस इंसान को मैं बनाई वो मेरा जान लेने पे आज तुल गया, वो मेरा जान लेने के लिए बोल रहा है। तो ठीक है, मैं उसी पे मैं लेकिन तो भी डर के नहीं भागूंगी, मैं नहीं जाऊंगी यारा छोड़ के। जिसको मारना है, जब भी मारना है, आप आके मार के चले जाइए, मुझे कोई चीज का डर नहीं है, ना मरने का, ना समाज का, कोई चीज का मुझे अब डर नहीं है। कोई किसी का नहीं होता है, इतने दिन से सोच रहे थे कि चलो हम नहीं आएंगे लाइव, नहीं आएंगे, नहीं बोलेंगे, चलो उसके पास जितना दिमाग है वो कर रहा है मेरे साथ। नहीं सोची थी मैं, अगर मैं सोची होती तो आज मेरे साथ इतना गलत नहीं होता। अगर कोई भी लड़की सोच लेती कि वो लड़का ऐसा है तो कभी उसके साथ गलत नहीं होता। कि माँ बाप शादी करते हैं तो वहां नहीं गलत होता है, हो जाता है। ये तो हम अपने मन से ही किए थे, सोनू का रिकॉर्डिंग मैं रखी हूँ, इन लोग का रिकॉर्डिंग रखी हूँ, आप सुनेंगे। मैं सोशल मीडिया में सब कुछ चलवाऊंगी, जिस तरीके से सोनू हमको गाली दिया है, जिस तरह से हमको नचनिया बोला, आज हम नचनिया हो गए हैं। जिस दिन बेड गर्म कर रहे थे उस दिन नचनिया नहीं थे, दिन बेड पे लेके सिंदूर डलवा के रखा था उस दिन हम नचनिया नहीं थे। मेरे पास सब प्रूफ है, मेरे कितने महीने का बच्चा नुकसान किया है, सब कुछ मेरे पास प्रूफ है। मैं ऐसे नहीं बैठी हूँ, ऐसे नहीं किसी पे इल्जाम लगा दे रही हूँ मैं। और आप लोग कहाँ मुझे देखे किसी और के साथ काम करते हुए, और किसी के साथ हमको कहाँ देखे। 12 साल से मैं इस लड़के के, इस इंसान के साथ में हूँ। उसके बाद भी मेरे गलत किया, कोई नहीं सपोर्ट कर रहा है। मैं मुझे इतना पता चल गया कि सब लोग अच्छे वक्त में आपके साथ रहेंगे, बुरे वक्त में आपके साथ कोई नहीं है, कोई आपका साथ नहीं देगा। सब लोग बनने से हैं, बनने रहेगा तो सब रिश्ता है। आप ही लोग बताइए कि हम क्या करें, मुझे क्या करना चाहिए। अगर हमको कुछ भी होता है
इसका पूरा जिम्मेदारी प्रमोद प्रेमी और उसका मैनेजर का होता है सोनू का, क्योंकि ये दोनों लोग मुझे धमकी दे रहे हैं, दिलवा रहे हैं। यहाँ तक कि हम दवा के लिए भी जा रहे थे तो हमको कुछ लड़कों से घिरवाया भी था, फिर दो तीन आदमी लोग थे, फिर वो लोग डांटे तब वो लोग भागा था, फिर मैं दवा के लिए भी नहीं गई, घर पे चली आई। इतना बर्दाश्त करके मैं रह रही हूँ, लेकिन तो भी न कानून सुन रहा है, न एसपी सर सुन रहे, कोई नहीं सुन रहा है। थाने में जाने के बाद कल मैं थाने में फोन की तो बोल रहे हैं कि रखो फोन, हमको क्या पता, हमको क्या पता हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से आदेश नहीं आया है। अरे तो कब ऊपर से आएगा, 2 महीना 1.5 महीना हो गया उनको केस किए हुए, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। या तो सुनवाई करके आप लोग हटा दीजिए मुझे। इस आदमी के लिए रात दिन हम मेहनत किए थे, कुछ लोग थाने से आए हैं, थोड़ा सा आप लोग वेट करिए। कुछ फोटो लेने के लिए लोग थाने से आए हैं, मैं आपको फिर लाइव आके मैं पूरी बात आपको बताऊंगी। प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट करिए।